Welcome to Sharad B. More English School online lecture. Good afternoon, student. Today we have to start the lesson number 8, Cell Biology and Biotechnology. Cell Biology and Biotechnology. In this lesson, we have to study about the cell biology, then stem cells, biotechnology and its application, important stages of development of the agriculture. एग्रीकल्चर के डिफरेंट स्टेजेस डेवलपमेंट के क्या क्या है दैट वी हैव टू सी हियर. नाउ कैन यू रिकॉल, कैन यू रिकॉल? तो नाउ सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेल? तो नाउ इन लोअर स्टैंडर्ड, इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, इन एट स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड अबाउट द सेल, दैट सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स. जो भी लिविंग थिंग्स है उसका फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड सेल, उसको हम बोलते हैं सेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टिश्यू एंड विच आर द फंक्शंस ऑफ द टिश्यूज? नाउ यस, कलेक्शन ऑफ द सेम टाइप ऑफ द सेल्स विच परफॉर्म द सेम फंक्शंस. कलेक्शन और ग्रुप ऑफ द सेम टाइप ऑफ द सेल, मतलब एक टाइप के सेल्स का कलेक्शन और जो एक ही टाइप का फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, दे आर कॉल्ड यस टिश्यूज. तो उसके ग्रुप को क्या बोला जाता है? टिश्यूज. ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द टिश्यूज? नाउ डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट टिश्यूज मीन्स डिफरेंट टिश्यूज हैव द डिफरेंट फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द फंक्शन ऑफ द कार्डियक टिश्यूज मीन्स हार्ट आर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. द फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टिश्यूज टू digest as well as to absorb the nutrient from the food. So all the tissues which are present in the different organs have the different functions. So jitne bhi organ ke tissues hai unka functions kya hai, different different hai. For example, yes, the tissues of the lungs, so their functions are to absorb the oxygen. Kya karna? Oxygen ko absorb karna from the air, air se. Now क्वेश्चन नंबर 3, विच टेक्निक इज रिलेशन टू टिश्यू हैव यू स्टडी इन द अर्लियर क्लासेस? अब किस टाइप की टेक्निक आप लोगों ने यस अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है? तो यू हैव स्टडी इन द नाइन्थ स्टैंडर्ड द जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, इन दैट यू हैव लर्न अबाउट द टिश्यू कल्चर. उसमें आपने टिश्यू कल्चर के बारे में स्टडी किया है. तो टिश्यू कल्चर इज एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ द सेल्स. टिश्यू कल्चर इज एक्स वीवो ग्रोथ. अब देखो टिश्यू कल्चर क्या है, ये आर्टिफिशियल है. कैसा है ये? आर्टिफिशियल, जो हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं. और ये जो फंक्शन है ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब जो एनिमल्स हैं लाइक यस हैन है, तो हैन के बॉडी के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है. लेकिन अगर एग का फॉर्मेशन हम लोग यस उस हैन के बॉडी के बाहर करें तो ये क्या होगा, यस एक्स वीवो, क्या होगा, एक्स वीवो ग्रोथ ऑफ द सेल. तो एक्स वीवो का मतलब क्या होता है, यस ग्रोइंग जनरेटिंग द सेल्स और टिश्यू यस आउटसाइड ऑफ द दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से उसके बाहर, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर क्या करना है, ऐसे ये सेल्स का या टिश्यूज का ग्रोथ करना ही क्या है, यस टिश्यू कल्चर. और यस इट इज़ डन इन असेप्टिक एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम. और इसको असेप्टिक मीडियम, असेप्टिक मीडियम मींस, असेप्टिक मीडियम असेप्टिक मीडियम मीन्स वॉट, द कंडीशन इन विच यस प्रिकॉशंस आर टेकन सो दैट दैट न्यूट्रिएंट और दैट सेल डू नॉट गेट इन्फेक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ऐसा कंडीशन जिसके अंदर क्या है, यस वो सेल्स और टिश्यूज इन्फेक्ट नहीं हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं असेप्टिक. एंड न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, न्यूट्रिएंट रिच मीन्स, yes, we know that for the growth
यस, न्यूट्रिएंट इज मस्ट। ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है। तो टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता है, जो सेल्स है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो सेल्स को उस रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट में, जो उस सेल्स के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट है उस न्यूट्रिएंट में, और असेप्टिक कंडीशंस में उस ह्यूमन उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर डेवलप करना ही क्या है, टिश्यू कल्चर। विच आर द वेरियस प्रोसेसेस इन टिश्यू कल्चर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विच आर द वेरियस प्रोसेस इन द टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर के डिफरेंट प्रोसेसेस क्या है, नाउ इज हियर सी द प्रोसेस आर। ओके, द फर्स्ट प्रोसेस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। पहला प्रोसेस क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्शन, मीन्स हियर द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज। नाउ नेक्स्ट वन इन द डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। तो हियर यस द वन सेल गेट मल्टीप्लाइड इन टू द मेनी सेल्स। एक सेल्स क्या है, बहुत सारे सेल्स में कन्वर्ट होना। नेक्स्ट जो है शूटिंग और रूटिंग। अब इस शूटिंग और रूटिंग में क्या है, ये उसके शूट निकलते हैं। जब हम लोगों को मालूम, वेन द सीड्स जर्मिनेट, जब सीड जर्मिनेट होता है दैट टाइम यस द रेडिकल एंड प्ल्यूम्यूल्स कम्स आउट। दैट रेडिकल फॉर्म द रूट एंड प्ल्यूम्यूल्स फॉर्म द यस शूट। शूट मीन्स द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट प्रेजेंट इन द एयर, एंड रूट इज द पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट प्रेजेंट इन साइड द सॉइल। जो सॉइल के अंदर रहता है वो क्या है, ये रूट है, और जो उसके ऊपर सॉइल के ऊपर का पार्ट है वो क्या है, ये शूट है। तो यहाँ पे क्या है, ये उसके बाद शूटिंग एंड रूटिंग, फिर प्राइमरी हार्डनिंग हार्डनिंग एंड सेकेंडरी हार्डनिंग, एंड देन देर इज अ फुल ग्रोथ ऑफ दैट प्लांट। वी हैव स्टडीड द प्लांट प्रोडक्शन बाय टेक्निक of the tissue culture in the last class. Stem cells are used for that purpose. Whether such a stem cells are present in animals. तो हम लोगों ने last year क्या study किया कि stem cells use करके new plant का growth कर सकते हैं। तो क्या same, जैसे कि ये plant के अंदर stem cells है, there are the stem cells in the living or yes animals also, कि animal के अंदर भी इस तरह के स्टेम सेल्स है क्या? तो यस ऑफ कोर्स, यस ऑल लिविंग सॉरी ऑल द एनिमल्स हैव द स्टेम सेल्स, एंड यूजिंग द स्टेम सेल्स लाइक द प्लांट द न्यू ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप्ड। ओके, नाउ यस साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी, व्हाट इज द साइटोलॉजी? साइटोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सेल बायोलॉजी। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी। तो सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी, दिस इज द ब्रांच इन साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द सेल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड द सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ दैट यस लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक ब्रांच है साइंस के अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स के बारे में ही पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। देयर आर रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन द फील्ड ऑफ द ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी की वजह से ही ह्यूमन बींग के हेल्थ में एक रिवोल्यूशनरी चेंज, मतलब एक क्रांतिकारी चेंजेस आया हुआ है। रिसर्च इंस्टीट्यूट स्पेशली dedicated for research on the cells are established at Pune and Bangalore. अब जो cells से related study के research centers Bangalore as well as Pune में establish हुए। India National Center for Cell Science at the Pune and the in STEM at Bangalore are involved in वैल्यूएबल रिसर्च। अब जो ये दोनों इंस्टीट्यूट है इंडिया में, ये दोनों क्या है, यस बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसर्च यस कर रहे हैं। विजिट बोथ द वेबसाइट्स मेंशन अबो एंड विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिसर्च अंडर गोइंग इन दिस इंस्टीट्यूशन। नाउ यस फॉर बोथ इंस्टीट्यूशन देयर वेबसाइट्स आर गिवेन। ऑन विजिटिंग द वेबसाइट वी कैन गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउ यस लेटेस्ट सेल्स ऑन विच द स्टडी इज गोइंग ऑन।
ऐसा कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल्स है जिसके ऊपर क्या है ज़्यादा रिसर्च चालू है. नाउ स्टेम सेल्स, अब ये स्टेम सेल्स क्या है दैट वी हैव टू सी. एंड यस, यूजिंग द स्टेम सेल्स विच अदर ऑर्गेन्स कैन बी डेवलप और इवन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज होल कैन बी डेवलप फ्रॉम द स्टेम सेल्स. ओके, तो ये जो स्टेम सेल्स है दे आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ द ह्यूमन बींग. ये ह्यूमन बींग के सर्टन पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ये प्रेजेंट रहते थ्रू आउट देयर लाइफ. एंड यूटिलाइजिंग दिंग इज स्टेम सेल्स द न्यू ऑर्गेन्स लाइक लीवर, हार्ट, किडनी एट्सेट्रा कैन बी डेवलप एज वेल एज द होल ऑर्गेनिज्म कैन बी डेवलप. और उससे क्या है, ये एक यंग वंस को भी डेवलप कर सकते हैं. ओके, नाउ ये सी, देयर आर द स्पेशल टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. देयर आर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. दिस सेल्स गिव राइज टू ऑल अदर टाइप ऑफ द सेल्स. और ये सेल के अंदर ऐसी एबिलिटीज होती है कि ये ऑल टाइप के सेल्स जो बॉडी में प्रेजेंट है ऑल टाइप के सेल्स ये जनरेट कर सकते, बना सकते, फॉर्म कर सकते. सिमिलरली दिस सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वुंड हीलिंग. एंड सेम वे ये सेल्स वुंड हीलिंग, जख्म को भरने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो स्टेम सेल्स का क्या फंक्शन है? यस, इट्स फंक्शन इज टू हील द वुंड, जख्म को भरना. एज वेल एज यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करके वी कैन डेवलप द डिफरेंट ऑर्गेन्स यूजिंग द स्टेम सेल. एंड वी कैन डेवलप द सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजिंग दैट ऑर्गेनिज्म स्टेम सेल्स. उस स्टेम सेल का इस्तेमाल करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को भी हम डेवलप कर सकते हैं. वी हैड स्टडीड द स्टेम सेल्स ऑफ द प्लांट इन द प्रीवियस क्लास. नाउ वी शैल स्टडी द स्टेम सेल्स इन द एनिमल, पर्टिकुलरली इन द ह्यूमन बींग. अब इस लेसन में हम लोग स्टेम सेल के बारे में स्टडी करेंगे एंड दैट इज रिलेटेड टू द ह्यूमन बींग. न्यू ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट दैट इज फॉर्म बाय यूनियन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट. तो इन द लेसन नंबर 3 लाइफ प्रोसेस 2 इन दैट वी हैव सीन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेन देयर इज अ यूनियन ऑफ द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड फ्रॉम द जाइगोट there is a formation of the all type of the cells which required for the development of the body. तो अपनी body के लिए required जितने भी type के जो cells हैं वो सब के सब उसी zygote से form होते हैं. At the earliest stage of development, organism in the form of a mass of the cells. अब देखो what happens in earlier stages of the development. जब हमारा शुरुआत का development का स्टेज होता है उस टाइम हमारे क्या है ये जो मदर के बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है वो सेल्स का मास रहता है. मीन्स उसमें कई सारे सेल्स एक साथ में कलेक्ट रहते हैं. नाउ सी what happens, ये सपोज दिस इज द मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट. ओके, और when they unite, ये male gamete और ये क्या है female gamete है. male gamete and this is the female gamete. And when these two joints, जब दोनों जुड़ जाते when they combine, तो therefore is formation of single cell called zygote. तो इसी को हम क्या बोलते zygote. क्या बोला जाता है इसको zygote. ओके, एंड फर्दर दिस जायगोट्स डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स. ये जायगोट क्या करता है डिवाइड होता है और रीडिवाइड्स होता है एंड इट फॉर्म मेनी सेल्स. ओके, फ्रॉम द जायगोट इट फॉर्म मेनी सेल्स एंड दिस मेनी सेल्स आर प्रेजेंट लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड एज मास ऑफ द सेल. इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मास ऑफ द सेल. ओके, मतलब ये सेल का क्या हो गया मास. नाउ ये दिस सेल्स फर्दर
डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स एंड यस फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज. अब ये जो सेल्स है, जो मास ऑफ सेल्स है, इसी मास ऑफ सेल्स से क्या होता है, ये सम सेल्स फॉर्म द सेल्स फॉर द लेग्स. अभी इसी से किसका डेवलप होता है, इसमें से कुछ जो सेल्स है वो लेग के फॉर्मेशन में, कुछ सेल्स क्या करते हैं ब्रेन के फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं, सम सेल्स फॉर्म द हैंड्स एंड सम सेल्स फॉर्म द इंटेस्टाइन, सम सेल्स फॉर्म द इस हार्ट. तो इन दिस वे फ्रॉम दिस मास डिफ्रेंशिएट चेन स्टार्ट्स एंड देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेन्स. अब ये जो मास ऑफ सेल्स है, इस मास ऑफ सेल्स से क्या होता है, ऑल ऑर्गेन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है. तो ये जो शुरुआत के डेवलपमेंट्स है, इसी शुरुआत को के डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. ओके, अब इसी मास ऑफ सेल से ही क्या होता है, ये डिफ्रेंशिएशन होकर यस देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आई. इसी से क्या क्या चीज़ें बनेंगी, आईज के सेल्स, ब्रेन के सेल्स, हैंड के सेल्स, लेग के सेल्स, हार्ट के सेल्स, स्टमक के सेल्स, इंटेस्टाइन के सेल्स. तो ये क्या होता है, यस इसी मास से ऑल टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होता है. तो ऑल द सेल्स इन मास इज ऑलमोस्ट अलाइक. अब ये मास है तो इसके ऑल सेल्स क्या होते हैं, यस फिजिकली अलाइक होते, एक जैसे होते. दो सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स, और इनको हम फिर क्या बोलते हैं, स्टेम सेल, बिकॉज ये दिस सेल्स हैव एबिलिटी टू डेवलप एनी ऑफ द ऑर्गेन्स विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. कोई भी यस ऑर्गेन्स डेवलप करने की एबिलिटी इन सेल्स में है, जो यस हमारे बॉडी में ऑर्गेन्स है, लंग्स है, हार्ट है, ये सब के सब इस सेल से फॉर्म हो सकते हैं. दैट्स वाई दिस मास इज कॉल्ड एज द स्टेम सेल. तो एंड दिस इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट एंड दिस इज अबाउट यस बिफोर द 14 डेज. ये लगभग क्या है, यस 14 डेज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट. जायगोट बनने के 14 दिन तक का ही ये क्या है, स्टेज है. तो ये 14 डेज तक का जो स्टेज होता है, इस स्टेज में ये जो सेल्स फॉर्म होते हैं उनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स लाइक लीवर के और लीवर, हार्ट, ये सब के सब डेवलप कर सकते हैं. और वी कैन डेवलप द होल ऑर्गेनिज्म, पूरा आपका पूरा ऑर्गेनिज्म ही डेवलप कर सकते. तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स. एंड बिकॉज इट इज इन अर्लियर स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट दिस सेल्स फॉर्म एनी टाइप ऑफ द सेल्स. अब ये जो मास ऑफ सेल्स था, यही मास ऑफ सेल्स क्या होता है, ये फर्दर डेवलपमेंट होकर इट फॉर्म द सेल्स फॉर एनी टाइप ऑफ द सेल्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टिश्यूज एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन अवर बॉडी, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ द स्टेम सेल्स. अब ये जो स्टेम सेल्स थे उनके डिफरेंशिएशन की वजह से डिफरेंट टाइप के टिश्यूज फॉर्म होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं. However, once the tissues are formed, the cell in those tissue at the most can form same type of the cell only. But from the mass of cells when it form the cell, then yes there is only particular function performed by that tissues. This is the case in each part of the body. However, the stem cells are present for longer duration in some parts of the body. तो ऐसे भी हमारे बॉडी के कुछ पार्ट्स है जहाँ पे ये स्टेम सेल्स बहुत ही लॉन्ग टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं. स्टेम सेल्स आर प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड बाय विच द फोइटस इज जॉइंट टू द यूटेरस ऑफ द मदर. Stem cells present in the umbilical cord by which the fetus is joined to the uterus of the mother. Stem cells are also present in the blastocyte stage of the
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नाउ अब देखो, यस पहले हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक यस सेल सिस्टम सेल देखा, जो क्या होता है, यस 14 दिन जायगोट फॉर्मेशन का 14 दिन तक का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें जो मास ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल. सिमिलरली जो अम्बेलिकल कॉर्ड है, नाउ व्हाट इज द अम्बेलिकल कॉर्ड, इट इज एक्सप्लेन इन द सेम इज दैट सेंटेंस दैट इट इज द ट्यूब विच जॉइन द फोइटस. फोइटस मीन्स डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो यंग वंस का डेवलपमेंट हो रहा है उससे जॉइंट वो जो ट्यूब होता है मदर के क्या है, ये जो यूटेरस है उसी ट्यूब को हम बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड. एंड थ्रू द एम्बेलिकल कॉर्ड ओनली द डेवलपिंग एम्ब्रियो रिसीव द न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन. तो उसी ट्यूब से ही, उसी अम्बेलिकल कॉर्ड से ही क्या होता है, उस यंग वंस को ऑक्सीजन एज वेल एज न्यूट्रिएंट पहुँचता है. स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लास्टोसाइट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. स्टेम सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रेड बोन मैरो एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द एडल्ट ह्यूमन बींग. अब देखो स्टेम सेल्स कहाँ कहाँ मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल वो 14 डेज तक ही हम लोगों को वो मास जो है वो मास से मिल जाता है. और ये जो है अम्बेलिकल कॉर्ड जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो का, उसके अंदर ये प्रेजेंट रहता है. और जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज है उसके अंदर भी ये स्टेम सेल प्रेजेंट रहता है. और रेड बोन मैरो में ही क्या बनता है, RBCs एंड WBCs, जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स है एंड वाइट ब्लड कार्पोसेल्स है, जो ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है और वाइट ब्लड सेल्स है वो भी कहाँ पे, ये क्या है, फॉर्म होता है रेड बोन मैरो पे. तो जो रेड बोन मैरो है उसी में ही क्या है, ये स्टेम सेल वहाँ भी मिलता है. इट हैज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज एंड यस इट इज़ बिकम पॉसिबल टू प्रोड्यूस द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज एंड एंड डीजनरेटेड पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेन विद हेल्प ऑफ दीज स्टेम सेल्स. अब स्टेम सेल की वजह से क्या पॉसिबल हुआ, टू फॉर्म द टिश्यूज and from tissues to form the organ as well as to develop the degenerated part of any organ. कोई अगर organ degenerate हो गया है, उसका कोई parts क्या हो गया, yes degenerate हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया है या destroyed हो गया है, तो उसकी जगह पे नए cells का development भी possible है उस stem cell की वजह से. स्टेम सेल प्रिजर्वेशन, अब जो स्टेम सेल्स है उसको प्रिजर्व करना, उसको क्या है, ये वेन एवर इट इज नीडेड उस टाइम यूज करने के लिए उसको सेफ रखना. फॉर द पर्पज ऑफ द प्रिजर्वेशन स्टेम सेल्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्राम द सोर्सेस लाइक कॉर्ड ब्लड. अब इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको केयरफुली कलेक्ट किया जाता है उसके सोर्सेस से. फॉर एग्जाम्पल कॉर्ड ब्लड, रेड बोन मैरो और एम्ब्रियो और ब्लास्टोसाइट एंड आर केप्ट इन स्मॉल स्टेराइल वायल्स. दोज वायल्स आर केप्ट इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट -135 डिग्री सेल्सियस टू -190 डिग्री सेल्सियस. तो दो स्टेम सेल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लड, रेड बोन मैरो और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, दे आर केप्ट इन द स्मॉल एंड स्टेराइल. स्मॉल मतलब छोटे साइज में, स्टेराइल मीन्स उसको क्या करना, इस तरह से क्लीन करना सो दैट इट डू नॉट गेट इन्फेक्टेड फ्राम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड यस इट इज केप्ट इन वायल्स, इस वायल्स के अंदर उसको रखना एट द -135 टू -190 डिग्री सेल्सियस, इतने लो टेम्परेचर पे उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं हम लोग. स्टेम सेल्स रिसर्च, अब क्या है ये नेक्स्ट पार्ट, स्टेम सेल्स रिसर्च, स्टेम सेल के बारे में रिसर्च. इन बायोटेक्नोलॉजी स्टेम सेल्स रिसर्च इज अ रिवोल्यूशनरी इवेंट आफ्टर क्लोनिंग. अब क्लोनिंग, यस क्लोनिंग क्या है, यस डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली. किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को असेक्सुअली ग्रो करना क्या है, क्लोनिंग. फॉर एग्जाम्पल यस फर्स्ट
क्लोन्ड एनिमल इज द डॉली शेप. पहला जो क्या है ये क्लोन्ड एनिमल कौन है, डॉली शेप, जिसमें क्या है ये उसके मदर या फादर से स्टेम सेल्स लेकर उसका डेवलपमेंट किया गया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोनिंग. तो आफ्टर द क्लोनिंग, क्लोनिंग के बाद ये स्टेम सेल्स के रिसर्च में क्या है ये रिवोल्यूशनरी चेंजेस आया, मीन्स क्या है बहुत ही रैपिड चेंजेस आया. दिस टेक्निक हैज़ द पोटेंशियल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द मेडिकल साइंस. तो ये मेडिकल साइंस के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उसके अंदर भी क्या है ये चेंजेस करने में इम्पॉर्टेंट है. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स स्टेम सेल्स आर ऑफ द टू टाइप्स एज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स. अब किस सोर्स से उस स्टेम सेल को ऑब्टेन करते हैं, बेस्ड ऑन दैट द सेल्स आर क्लासिफाइड इन टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एंड एडल्ट स्टेम सेल्स. तो दोज स्टेम सेल्स विच आर ऑब्टेन इन द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज के टाइम जो ऑब्टेन करते हैं वैसे स्टेम सेल्स को हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलते हैं. एंड दोज स्टेम सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज फॉर यस लॉन्ग पीरियड कॉल्ड एज द एडल्ट स्टेम सेल्स. जो ज़्यादा टाइम तक के लिए प्रेजेंट रहते हैं ह्यूमन बॉडी में उसको हम क्या बोलते हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स. नाउ लेट स्टडी अबाउट द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के बारे में स्टडी करना है हम लोगों को. नाउ यस दिस इज एक्सप्लेन अर्लियर टू यू. डिविजन ऑफ द जायगोट स्टार्ट्स एंड देयरफॉर इट इज कन्वर्टेड इनटू द एम्ब्रियो. तो नाउ यस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, व्हेन द मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जॉइंट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जायगोट एंड जायगोट इज अ सिंगल सेल एंड देन इट मल्टीप्लाई इट is divides and form the many cells. Cells of embryo undergo repeated mitotic division. अब जो cells है embryo का वो क्या है यस continuously क्या है यस mitosis process से divide होता है and they because of that number of cells increases. Cell differentiation start from the 14 days of the conception. अब देखो जो cells इनिशियली जो डिवाइड होकर क्या है ये फॉर्म होते दे आर अलाइक, वो एक जैसे होते सेम होते. बट आफ्टर द 14 डेज ऑफ कॉन्सेप्शन, जब 14 डेज हो जाता है उसका जायगोट फॉर्मेशन का 14 डेज जब कंप्लीट हो जाता है तो यस जो उसका मास ऑफ सेल्स है एम्ब्रियोनिक जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था उसका जो मास ऑफ सेल्स है जो एक टाइप के जो सेल्स थे. Now yes differentiation start, उसमें 14 दिन के बाद में differentiation start हो जाता है. मतलब कि क्या है यस 14 days के बाद वही cells का जो पूरा collection रहता है वो अलग अलग organs develop होना start कर देते. Cells of the different organs like osteocytes, bone cells, hepatocytes, liver cells and neurons are formed due to the differentiation. अब जो वो मास ऑफ सेल्स थे जो एक साथ में सेम टाइप के सेल्स थे 14 डेज के बाद, आफ्टर द 14 डेज यस इट स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इनटू फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स विच फर्दर फॉर्म द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेन. तो वो किस किस सेल्स के फॉर्मेशन में स्टार्ट हो जाते हैं, ये ओस्टियोसाइट मतलब बोन के सेल्स में डेवलपमेंट, हेपेटोसाइट मीन्स लीवर के सेल्स का डेवलपमेंट, न्यूरॉन मतलब ये जो हमारा नर्वस सिस्टम है उससे बना हुआ जो नर्वस सिस्टम के नर्व्स उसका फॉर्मेशन इसी से स्टार्ट होता है. एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर डिफरेंशिएशन आर कॉल्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. जो ये एम्ब्रियोनिक सेल्स है डिफरेंशिएशन स्टार्ट होने के पहले का जो स्टेज है उसी को हम बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. To 20 different types of the cells in the human body are formed from the single type of the cell. Now zygote is a single cell and from this zygote there is a formation of about 220 different type of the cells start and that is embryonic stem cell. Thus stem cells are the primary type of
undifferentiated cells with the self-multiplying ability, and they are parent cells of the all types of the human cells. Now, yes, these embryonic cells means the cells which are formed before the 14 days of the conception are called stem cells, and they have the ability to develop into the different type of the organs. And from organ there is a formation of the system, and from system there is a formation of the body. It means they are the parents of the all types of the cells which are present in our body. तो हमारे बॉडी में जितने टाइप के जो सेल्स हैं वो सभी के पेरेंट्स ये एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, बिकॉज दे आर डेवलप फ्रॉम दैट एम्ब्रियोनिक सेल ओनली. दस स्टेम सेल्स आर प्राइमरी टाइप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विद द सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी एंड दे आर पेरेंट सेल ऑफ ऑल टाइप ऑफ द ह्यूमन सेल्स. दिस प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल्स इज कॉल्ड एज प्लूरोपोटेंसी. अब इस प्रॉपर्टी को, स्टेम सेल की इस प्रॉपर्टी को, मीन्स मल्टीप्लाइंग एबिलिटी होना एंड यस कन्वर्टिंग इन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द प्लूरीपोटेंसी. इसको क्या बोलते हैं, प्लूरीपोटेंसी. इट हैज बीन फाउंड दैट इफ दिस स्टेम सेल्स आर कलेक्टेड वेल बिफोर बिगिनिंग ऑफ द डिफरेंशिएशन ऑन द 14 डेज, ऐसा पाया गया है, ऐसा ये हम लोगों को रिसर्च में मिला है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि क्या है, अगर जो स्टेम सेल्स है उनको प्रॉपरली कलेक्ट किया जाए वो भी 14 डेज के डिफरेंशिएशन के पहले, जो 14 डेज के बाद जो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है उसके पहले, दैट इज़ ड्यूरिंग द 5 to 7 days, जैसे कि 5 to 7 days के बिटवीन, एंड कल्चर्ड विथ सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस इन लेबोरेटरी. और उस स्टेम सेल को सर्टन बायोकेमिकल स्टिमुलस से उनको कल्चर किया जाए, एज पर स्टिमुलस दे कैन ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ. तो अगर जो स्टिमुलस हमने उसके अंदर डाला, मीन्स स्टिमुलस फॉर द ग्रोथ ऑफ द लंग, तो दैट सेल्स डेवलप इन टू द लंग. अगर हमने उसके अंदर स्टिमुलस डाला हार्ट सेल्स का, तो क्या होगा, देर इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द हार्ट सेल्स. एंड इफ वी एस पुट द स्टिमुलस फॉर द हैंड, तो देर इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द हैंड सेल्स. एज पर स्टिमुलस दे कैन ट्रांसफॉर्म देम सेल्स इन टू द डिजायर्ड टाइप ऑफ द सेल्स, देयर बाय टिश्यू एंड फाइनली इन टू द ऑर्गेन. तो अगर हम लोग स्टिमुलस ऐड करते हैं उस सेल में, तो जो डिजायर्ड टिश्यूज है उस टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, एंड फर्दर द टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गेन. नाउ स्टेम सेल्स, एडल्ट स्टेम सेल्स. नाउ दोज स्टेम सेल्स विच आर फाउंड इन द एडल्ट ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग, एडल्ट ह्यूमन बींग में जो स्टेम सेल्स पाया जाता है उसको हम एडल्ट स्टेम सेल्स बोलते हैं. मतलब कि क्या है, यस ये हमारे ऑर्गेन्स में, फॉर एग्जाम्पल रेड बोन मैरो में प्रेजेंट रहता है. तो ऐसे स्टेम सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, एडल्ट स्टेम सेल्स, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द एडल्ट स्टेज ऑल्सो, नॉट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही प्रेजेंट नहीं रहते. एडल्ट स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एडल्ट पर्सन टू. अब ये जो एडल्ट स्टेम सेल्स है, ये एडल्ट पर्सन से भी उसके बॉडी से ऑब्टेन कर सकते. देयर आर द 3 मेन सोर्सेस ऑफ द स्टेम सेल्स इन द बॉडी ऑफ द एडल्ट पर्सन. तो यहाँ पे ये क्या है, 3 सोर्सेस है स्टेम सेल्स को ऑब्टेन करने का. स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द रेड बोन मैरो. अब ये स्टेम सेल्स एडल्ट पर्सन से उसके रेड बोन मैरो से ऑब्टेन कर सकते हैं. एडिपोज कनेक्टिंग टिश्यू एंड ब्लड. और ये दूसरा जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है उससे ऑब्टेन कर सकते हैं, एंड ब्लड से. बिसाइड्स स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड, ऑब्टेन फ्रॉम द कॉर्ड ब्लड इमीडिएट आफ्टर द बर्थ. और वैसे ही ये स्टेम सेल को हम लोग जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, उस अम्बिलिकल कॉर्ड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं.
आफ्टर इमीडिएट आफ्टर द बर्थ. अब जो है क्या है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसके अंदर जो ब्लड प्रेजेंट रहता है उससे हम लोग किसी बेबी के बर्थ के इमीडिएटली उस ब्लड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स. स्टेम सेल का यूज, किसका यूज, स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल का क्या यूज है, टू क्योर द डिजीज, डिजीज को क्योर करना. सेकेंड यूज क्या है, इसका यूज करना जिस ऑर्गेन डेवलपमेंट के लिए एंड द ऑर्गेनिज्म इन होल, और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को भी डेवलप करने के लिए इसका यूज हो सकता है. नाउ ये फर्स्ट वन, रीजनरेटिव थेरेपी. अब हम लोग इसका इस्तेमाल किसके फॉर्म में कर सकते हैं, रीजनरेटिव थेरी. नी रीजनरेटिव थेरी इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ द सेल टू क्योर द सर्टन टाइप ऑफ द डिजीज. कुछ टाइप के डिजीज को क्योर करने के लिए ये रीजनरेटिव थेरेपी यूज होता है. नाउ यस ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन. अब ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन मीन्स यस क्या है, अगर कोई ऑर्गेन ह्यूमन बींग का क्या है, डैमेज हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया इन्फेक्शन की वजह से और बाई सर्टन रीजन, तो दैट कैन बी यस अगेन दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाई द फ्रेश वन. तो उसको जो डैमेज वन है उसको हम निकाल करके कह सकते हैं यस हेल्दी ऑर्गेन को वहाँ पे लगा सकते हैं. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन. तो नाउ सी अंदर द रीजनरेटिव थेरेपी. फर्स्ट वन सेल थेरेपी. द स्टेम सेल्स आर यूज टू रिप्लेस द डेड सेल इन केस ऑफ द कंडीशंस लाइक डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अल्जेमर्स डिजीज, पार्किंसंस डिजीज एट्सेट्रा. अब देखो ये सेल थेरेपी का इस्तेमाल हम लोग इन डिजीज में कर सकते हैं, बिकॉज इन डिजीज में क्या होता है, ये बहुत सारे जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के वो डेड हो जाते, वो मर जाते. तो ऐसे सेल्स को उसकी जगह पे नए सेल्स के डेवलपमेंट के लिए इस तरह से स्टेम सेल थेरेपी कैन बी यूज. बी पार्ट टू प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स रिक्वायर्ड इन कंडीशंस लाइक एनीमिया, थैलेसीमिया एंड ल्यूकेमिया एट्सेट्रा. तो हम लोग यस जो एनीमिया, थैलेसीमिया और ल्यूकेमिया जैसी बीमारियां हैं जो ब्लड से रिलेटेड है, तो उस टाइम भी स्टेम सेल का यूज उनके डेवलपमेंट के लिए कर सकते हैं. नाउ यस स्टूडेंट अनम्यूट योर सेल्फ एंड इफ यू हैव एनी डाउट You can ask to me now. Yes, student. Is anybody having any doubt? Yes, student. Is anybody having any doubt? No, okay, yes, now I am ending the session. Okay.